चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। अरे मोमो मोमो, अरे मोमो कहाँ हो यार? मैं तो यहाँ हूँ, आप कहाँ हैं? भाई मैं कमरे में हूँ। किसके कमरे में? अरे अपने कमरे में यार। तो आपका कमरा कौन सा है? अरे भाई खुदा की बंदी, नबील के सामने वाला कमरा है। हाय वो तो मेरा कमरा है। अरे तो मैं उसी कमरे में तो हूँ। अरे तो मुझे बताना था ना कि आप मेरे ही कमरे में हैं। हाँ क्या हुआ? अरे जूते कहाँ हैं? जूते तो मैंने पहने हुए नसीर, ये देखें। महमूद? नहीं ये महमूद के नहीं, मेरे जूते। अरे मेरे जूते कहाँ हैं भाई? हो सकता है वो महमूद ने पहने हो। मोमो मेरा नाम महमूद है, मेरे जूते कहाँ हैं? मुझे क्या पता आपने कहाँ रखे हुए थे। अरे अपने कमरे में बेड के नीचे रखे थे यार। वोशे यहाँ तो आपका कमरा नहीं मिल रहा, तो वो जो आपके कमरे में बेड है वो कहाँ से मिलेगा? मोमो मैंने इस कमरे में इस बेड के नीचे अपने जूते रखे थे, वो कहाँ है? वो कौन? अब क्या हुआ है? अरे तुम जाओ यहाँ से बाहर, मुझे पागल कर दोगी तुम। आज मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ। अरे मोमो चली जाओ यहाँ से। इस औरत की वजह से मेरी याददाश्त भी किसी दिन चली जाएगी। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा नबील। चैनल चेंज करो यार, न्यूज़ वालों को कोई काम नहीं है डिप्रेशन लेने के अलावा। जानू मुझे वैसे भी तुम्हारे साथ रह के डिप्रेशन की आदत हो गई है। क्या? यस यार नबील मैं तंग आ गया हूँ इस औरत से। मैं भी तंग आ गया हूँ इस औरत से महमूद साहब। क्या? अरे मैं खूबसूरत की नहीं, तुम्हारी माँ की बात कर रहा हूँ यार। ओ यार अब क्या कर दिया माँ जी ने? अरे इस हफ्ते में तीसरी बार वो मेरी चीजें रख के भूली है। वैसे महमूद साहब आप भी हद ही करते हैं, माँ जी आपकी इतनी चीजें भूल जाती है और आप माँ जी की चंद बातें नहीं भूल सकते। सोच लो नबील, फिर मैं सबसे पहले ये भूलूंगा कि वो तुम्हारी माँ है। फिर उसके बाद मैं ये भूलूंगा कि वो मेरी बीवी है। आप लोग आपस में क्यों लड़ना शुरू हो गए? महमूद साहब वैसे आपको सीरियसली अब माँ जी का इलाज करवा लेना चाहिए। अब तो सोना के दोस्त भी मजाक उड़ाना शुरू हो गए माँ जी का यार। अरे कैसे इलाज करवाऊँ मैं, भूल गई तुम खूबसूरत? अरे तुम्हारी माँ के इलाज पे 30-40 लाख रुपया लगता है। अब इतने पैसे तुम्हारे पापा के अलावा कौन दे सकता है मुझे? अच्छा मुझे तो माँ जी वैसे ऐसी क्यूट लगती है ना नबील। वो जो तुम्हें ऐसे ही लगती है वो क्यूट है जी। मुझे लग रहा है सांप ने माँ जी को काट लिया है। अरे काटने दो, अच्छा उसे पता चलेगा। ओ यार खुदा का खौफ करें अगर कुछ हो गया तो। सांप को? माँ जी को यार। चले चले यार चले। माँ जी क्या हुआ? माँ जी कहाँ है? सांप उतर, सांप को तो मैंने मार दिया, ये देख। माँ जी ये सांप नहीं है। हाँ यार ये तो कछुआ है। अरे कछुआ इतना काला नहीं होता, ये केकड़ा है। ओ यार मैं हूँ साहब, ये केकड़ा नहीं है, मुझे तो मेंढक लग रहा है। अरे ये मेंढक नहीं है। तो फिर क्या छुछुंदर है? नहीं। तो क्या गिरगिट है? नहीं। अरे यार तो फिर क्या है ये? अरे ये बिच्छू है। क्या? लेकिन जानो बिच्छू तो काला होता है। अरे जितनी गर्मी यहाँ पे पड़ती है नबील, यहाँ तो हर चीज काली हो जाती है। नबील ये ब्लैक स्कॉर्पियन है। लेकिन हमारे लॉन में कहाँ से आ गया? वो जानू बारिश हुई थी ना, हो सकता है कहीं आस पड़ोस से आ गया हो। शुक्र है यार के सांप नहीं आया। महमूद साहब ये ब्लैक स्कॉर्पियन सांप से ज्यादा खतरनाक होता है। अरे रहने दो, अगर खतरनाक होता तो तुम्हारी माँ को काट डालेता। खबरदार जो किसी ने बकवास करने की कोशिश भी की होता। थैंक गॉड माँ जी बच गई है। चलो चलो यार चलो चलो। कराची शहर में शदीद बारिशों की वजह से लोगों के घरों में सांप और काले बिच्छू मिलना शुरू हो गए। ओए मैंने तो अभी मारा है। बेवकूफ औरत, काला बिच्छू दुनिया में पाए जाने वाला सबसे महंगा तरीन बिच्छू है। क्या? हाँ
जदीद तहकीक के मुताबिक जिंदा काले बिच्छू के तेल से ला इलाज बीमारियों का इलाज हो सकता है जिनमें कैंसर, दिल के अमराज और याददाश्त की कमजोरी शामिल है। चाइना और जापान में ब्लैक स्कॉर्पियंस की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए शहर कराची और अंदरून सिंध के जितने भी नौजवान हैं काले बिच्छू को पकड़ने के लिए अपने घरों से निकल पड़े हैं। अरे ये क्या फजूल बकवास है भाई? बकवास तू कर रहा है अंकल। हाँ तुम्हें नहीं पता आर्मी मंडी में एक काले बिच्छू की कीमत 15 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक की है पाकिस्तानी। क्या ओ माँ जी वो बिच्छू है? पुत्र वो तो कवा उठा के ले गया। अरे ये क्या किया मोमो तुमने? उससे तुम्हारा इलाज हो सकता था। कवे से? अरे नहीं भाई बिच्छू से। वो यार ये सब फजूल बातें हैं। टीवी वाले पता नहीं क्या क्या बातें फैलाते रहते हैं। फजूल खबरें यार, गरीबों के जज्बात से खेलते हैं। चलो जानू आओ कमरे में आराम करते हैं। देखा तुमने? हाँ यार माँ जी और महमूद साहब कितने बेवकूफ हैं, कैसी बातों पर यकीन कर रहे हैं। बिच्छू लाखों का कैसे हो सकता है? जानू ये सच है। क्या? वो तो मैंने उनके सामने इसलिए नहीं बोला कि ये ना हो कि मुझसे पहले वो काले बिच्छू ढूंढने चले जाएं। क्या फजूल बातें कर रहे हो नबील, ये मैं नहीं मान सकती। फोन देना। हेलो पापा। पापा आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? क्या ओ माय गॉड तो? ओके पापा खुदा हाफिज़। क्या हुआ जानू? नबील पापा के घर के लॉन में दो ब्लैक स्कॉर्पियंस मिले। फिर क्या? उन्होंने अपने किसी चाइनीज फ्रेंड को 50 लाख रुपए में बेच दिए। हाँ मोमो ये नबील बड़ा ही चलाक आदमी है। अरे ये हमें बेवकूफ बना रहा है। ये चाहता है कि हम बिच्छू ना ढूंढे और ये बिच्छू पकड़ के बेच दे। किन्हें बेच दे? अरे बिच्छुओं को। ना तो वो बिच्छुओं को बिच्छू बेचेगा। अरे नहीं यार वो किसी चाइनीज या जापानी को बेचेगा घटिया आदमी। हालांकि उसे पता है कि उससे तुम्हारी याददाश्त ठीक हो सकती है। हाँ मोमो तो आप क्या करें? हाँ हम बगैर किसी को बताए चुपके चुपके बाहर लॉन में जाके ना बिच्छू ढूंढते हैं, उनका तेल निकालेंगे, तुम्हारे सर पे लगाएंगे और तुम्हारी याददाश्त ठीक हो जाएगी। आप किधर? अरे मैं तो यहीं, तुम किधर? एक्चुअली मैं और खूबसूरत जो है ना कमरे में बैठे बोर हो रहे थे तो मैंने खूबसूरत से कहा कि खूबसूरत आज मौसम बड़ा रोमांटिक और खूबसूरत है, क्यों ना बाहर चल के लॉन में चहलकदमी करें। है ना जाना? अरे अजीब इत्तेफाक है। लो मैं और मोमो भी बाहर झूला झूलने जा रहे थे। हमने तो चाय भी वहीं पीनी है ना मोमो? महंगी हाँ जी, झूला में झूलना है हाँ जी। हम देर तक वहाँ बैठेंगे। अच्छा चलो फिर आप लोग वहाँ झूला झूल लें, मैं और खूबसूरत चहलकदमी करेंगे। ठीक है हाँ चलो चलो आओ। यार माँ जी आपने भगा दिया यार। तूने भगाया इसको, तू नहीं चाहता कि मेरा इलाज हो, तेरी गलती है। नबील ये हमारा इलाका है, तुमने बिच्छू ढूंढना तो उधर जाओ। ये क्या बात हुई यार? यार आप लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? सब मिलके ढूंढते हैं, इसमें सबका फायदा है। हाँ कह तो ये ठीक रही है। क्या ख्याल है महमूद साहब? मुझे मंजूर है। मिलाए फिर हाथ। चले आ जाओ। अरे नबील बिच्छू इधर आओ भागो भागो भागो। कितने हो गए? सात हो गए। वो मिल गया। माँ जी लाइन चला लाइन चला लाइन। ज्यादा होंगे नबील, 6-7 तो मैंने ही पकड़े हैं। और यार महमूद साहब आपने तो लाल नीले उदे पता नहीं कौन कौन से पकड़े हैं, काला तो एक पकड़ा है आपने। यार भाई एक पकड़ा हो या 10 इससे बराबर के होंगे, पैसे आधे आधे होने चाहिए। क्यों मोमो? कौन से पैसे? अरे जो इन बिच्छुओं को बेच कर मिलेंगे।
आपने तो कहा था कि इन बिच्छुओं का तेल निकाल के मेरे इलाज में इस्तेमाल करेंगे। ओ बस कर दे माँ जी, लाखों के बिच्छू हम आप पे ऐसे जाया कर दें। चीटिंग है ये। अरे मोमो ये चीटिंग नहीं है, अरे इन्हें बेच के हम करोड़ों रुपया कमाएंगे, उससे मैं अमेरिका में तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। नबील बिच्छू तो जमा कर लिए हमने, अब जिसे बेचना है उसे भी पकड़ लो। और जानू तुम फिक्र मत करो, मेरा एक दोस्त है फैजी चीटर, मैं अभी उससे बात करता हूँ। नबील हमें देर नहीं करेगी, जाइए फौरन उससे बात करो। क्या नाम था उसका? उसका नाम था फैजी चीटर। फैजी चीटर, हेलो। हाँ भाई फैजी चीटर। हाँ भाई जल्दी से कोई पार्टी मंगवा, काले बिच्छू खरीदने वाली। अरे भाई 6-7 बिच्छू हैं, चाइनीज, जैपनीज, ऑस्ट्रेलियन, कोई भी चलेगा भाई, प्राइस अच्छी लगनी चाहिए। ओ भाई तेरा कमीशन भी मिल जाएगा फैजी चीटर, तू बाज नहीं आता यार चीटिंग से। अब मिल जाएगा तुझे फैजी चीटर, फिक्र क्यों करता है, बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा फैजी चीटर। बाय महमूद साहब, वो कह रहा उसके पास चाइनीज पार्टी है, 25-25 लाख का एक स्कॉर्पियन खरीदेंगे वो। क्या 25 लाख का एक बिच्छू? हाँ। अरे रबीर हम तो बैठे बैठे करोड़पति हो जाएंगे यार। हो जाएंगे नहीं महमूद साहब, हो गए। यस यस यस। जानू अब हमारी परेशानियों के दिन खत्म हो गए, अब हम सिर्फ बैठ कर खाएंगे। रबीर ऐसा करते हैं जरा मुँह हाथ धो लेते हैं, मेरे हाथों से बहुत बू आ रही है। ओके जानू आओ फिर। मामो मैं भी जरा ना नहा के आता हूँ, तब तक इन बिच्छुओं का ख्याल रखना। अच्छा खाना जाना। सारे चले गए मुझे बिच्छू सिटिंग पे छोड़ के। ओ यार आ जाए महमूद साहब, कहाँ रह गए हैं? तभी ये स्मेल कहाँ से आ रही है? पता नहीं जान। आ गया भैया। तभी ये बदबू कहाँ से आ रही है? पता नहीं यार। अरे मोमो ये तुमने नाक पे दुपट्टा क्यों ले रखा है? वो जो मैंने सिर में तेल लगाया ना, इसमें बड़ी बो है। ओ माँ जी आपने कौन सा तेल लगा लिया सर पे? अब पुत्र वही जिससे मेरी वो ठीक हो जाएगी। वो क्या? वही जो मेरी खराब है। ओफ क्या लगा लिया माँ जी आपने? पुत्र वो काले बिच्छू का तेल। अच्छा अच्छा क्या? हाँ पुत्र मैंने सारे काले बिच्छुओं का तेल निकाल के लगा लिया ताकि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। क्या? ओ माँ जी आपने सारे बिच्छू मार दिए यार। ना पुत्र सिर्फ काले वाले मारे। ये क्या हो गया महमूद साहब? आई नबील अब करोड़पति होते होते रह गए यार। ओ यार माँ जी ये आपने क्या किया यार, मेरे सारे ख्वाब चकना चोर कर दिए। तो तूने भी तो लालच की थी, हद कर दी। मेरा इलाज करने के बजाय तू कीड़े बेचने के केकड़े बेचने के चक्कर में लग गया। बिच्छू माँ जी। हाँ बच्चू। क्या करेंगे नबील? ओ यार महमूद साहब थोड़ी देर में वो चाइनीज बंदा आने वाला है करोड़ रुपया लेकर। क्या? हाँ एक काम करते हैं पुत्र। वो क्या? हम उस चाइनीज को किडनैप कर लेते हैं, कैसा? चुप है नबील, इस औरत ने सारे काले बिच्छू मारे है ना? जी जी। बाकी बचे हुए लाल बिच्छू ना इसके ऊपर छोड़ दो। महमूद साहब क्या है नबील? एक आइडिया। वो जो तुम्हें आया है वो आइडिया है? हाँ जी। अरे तो जल्दी बताओ ना। वो चाइनीज आदमी जो है वो काले बिच्छू खरीदने आ रहा है ना? हाँ। और हमारे पास कुछ 4-5 जो है वो लाल बिच्छू पड़े हैं। हाँ। हम उन पर काला रंग करके उस चाइनीज को बेच देते हैं। कैसा? क्या नबील वैसे आइडिया बुरा नहीं है यार। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे जानू दिमाग तो अभी चलना शुरू हुआ है। मैं तुम्हें ये 2 नंबर काम नहीं करने दूंगी। ओ जानू हमारे मुकद्दर में 1 नंबर काम करके करोड़पति बनना नहीं लिखा हुआ, हमने अपनी जान पर खेल कर बिच्छू पकड़े, क्या हुआ? कुछ भी हो नबील लेकिन ये बहुत गलत है। गलत और सही मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता खूबसूरत, अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो चुपचाप अपने कमरे में चली जाओ, मैं और महमूद साहब करोड़ों रुपए आपस में बांट लेंगे। हाँ तुम एक काम करो खूबसूरत, तुम अपने कमरे में जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इस पर भी बिच्छू छोड़े क्या? देखी और कुछ कुछ पकड़े ला ला ठहरे। महमूद साहब इन बिच्छुओं पर सियाह रंग करते हैं। वो जो इन बिच्छुओं पे करना है वो सियाह रंग है। हाँ जी। अच्छा जी। ऊपर आ रहा नीचे। तुम सा
ये सारे काले हो गए। अरे लगता है वो चाइनीज पार्टी आ गई है। मैं मुझसे इनको बाहर रखे चले उन्हें लेके आता हूँ। मेमू साहब ये कोई पोटोहारी बोल रहे? मेरा ख्याल है ये चाइनीज बोल रहा है। किसको? अरे ये चाइनीज जुबान बोल रहा है। तो हम क्या बोलें? हम अपनी वाली से शुरू हो जाते हैं। चलो शुरू हो। चलो फिर। अरे जे जे चिकन चाउमीन कस्तून पंचको कोई चुमी चुपी चुपी चुहा चाय चरी पे चुहा ना जा चुमी ब्लैक स्कॉर्पियन बगा स्कॉर्पियन अल पचिनो आ रॉबर्ट डी नीरो या चुमी नु काचा अब आ चुहा है हम मुल जो ये ब्लैक स्कॉर्पियन ब्लैक स्कॉर्पियन या चाइनीज यस कम ऑन चल मार दी चलो इधर से निकल जानी मनी माओ की चल चल करोड़पति हो गए महमूद साहब मैं ना मुबशर लुकमान की तरह जहाज खरीदूंगा और उसे सीएनजी पे करा लूंगा। अरे एक जहाज क्या नबील, मैं तो 15-16 जहाज खरीदूंगा, उन्हें किराए पे चढ़ाऊंगा और फिर आराम से बैठ के किराया खाऊंगा। ओ महमूद साहब बस कर दें यार, आपके जहाज सारे पुलों के नीचे बैठे हुए होंगे, जहाज उड़ा रहे होंगे। और यार महमूद साहब जितना हमारे पास पैसा है अब हमें फिक्र की कोई जरूरत ही नहीं है। देखे जरा बाहर जाके कौन आया। मैं क्यों देखूं भाई, अब मेरे पास पैसा है। अरे मैं कोई काम वाम नहीं करूंगा, जाओ जाके तुम खुद ही देखो। अरे भाई तो पैसे तो मेरे पास भी है, ठीक है मैं भी फिर छोटे छोटे काम नहीं करूंगा। हम नहीं करूंगा। अरे भाई, अरे जो भी अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। अरे ये चाउंग वापस क्यों आ गया यार? महमूद साहब मुझे लगता है और बिच्छू का ऑर्डर देने आए, ऐसे मना कर देते हैं। भाई देखो हमारे पास और बिच्छू नहीं है, जाओ तुम काले वाले। अबे सालो तुम लोगों ने चाइना वालों को चाइना का ही माल दिखा दिया। अबे सालो बिच्छुओं पर काला रंग करके फ्रॉड करते हो, हमारे ब्रदर मुल्क को बेवकूफ बनाते हो, तुम लोगों को तो बहुत लंबी सजा होगी। ओ यार छोड़े सर, ये ले पकड़े और जाएं। अबे सालो तुम लोगों ने मुझे भट्ट साहब समझ रखा है क्या है? तुम लोगों को तो पुलिस को रिश्वत देने के जुर्म में बहुत लंबी सजा होगी। वो महमूद साहब देख कर रहे हैं भागे। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल।
चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा कोई गए जाए जलता जा। अरे बबल फुलाए चलता जा कोई आए जाए चलता जा।